मैं हूं सुधीर शर्मा और आज है हमारी एनपीओ की वीडियो नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। जब आपको रिसिप्रोकल पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उसमें पेमेंट साइड में लिखा होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस को आपने पे किया, रेंट पे किया या सैलरी पे की। यदि वो रिसिप्रोकल पेमेंट में लिखा हुआ है कि आपने ये अमाउंट एज एन एक्सपेंस पे किया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो करंट ईयर का है, राइट? अब हमें जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उसके अंदर हमें केवल और केवल वो एक एक्सपेंस लेना है जो कि केवल और केवल करंट ईयर से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। बड़ी ये वो एक्सपेंस है जो हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा। ये वो एक अमाउंट जो आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा। अब यदि इस अमाउंट में कुछ वो अमाउंट इंक्लूड है जो कि लास्ट ईयर का हमने करंट ईयर में पे किया। काफी बार ऐसा होता है कि कोई भी फाइनेंशियल पीरियड खत्म होता है और उसका कुछ भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में पे किया जाता है। तो यदि पिछला साल जब खत्म हुआ था उसका कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, वो आपने इस बार पे कर दिया, यदि आपने वो इस बार पे किया है तो वो इस बार का खर्चा नहीं है, वो पिछली बार का खर्चा है, इसलिए उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर। दूसरी चीज, जब आपका करंट ईयर खत्म हुआ तो कुछ एक्सपेंस करंट ईयर का था जो अभी पे करना बाकी है, तो आप उसको प्लस कीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द, ये मैंने गलत लिख दिया, प्रीवियस ईयर और यहां पे करंट ईयर लिखेंगे, ऊपर प्रीवियस है और नीचे करंट है। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था जो इस ईयर पे किया गया उसको हमने माइनस कर लिया, और जो करंट ईयर का है जो भी हम आगे पे करेंगे उसको मैंने प्लस कर दिया। फिर एक चीज और ऐड करते हैं, जब लास्ट ईयर का एंड हुआ था, उस समय किसी ने आपको एडवांस में, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, लास्ट ईयर खत्म होने पे, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो भी एडवांस होता है वो करंट ईयर में एडजस्ट होता है, और करंट ईयर का जो एडवांस दिया जाता है एंड में वो नेक्स्ट ईयर के साथ एडजस्ट होता है। तो लास्ट ईयर में किसी ने एडवांस पेमेंट की, एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, उसके बाद लेस, क्या कर रहा हूं मैं, बार बार गलत कर देता हूं बेटा, करंट नहीं प्रीवियस बोल के आ रहा हूं, प्रीवियस ईयर, सॉरी, एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। यहां से एक फाइनलाइज अमाउंट आएगा जो कि करंट ईयर का एक्सपेंस होगा, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं, आप बना रहे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? हम बना रहे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में लिखा, यहां पे बेटा मैंने रेंट पे किया, मैंने लिखा रेंट, ये अमाउंट पे किया। आप चाहे तो ये वर्किंग नोट में कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से एक्सपेंडिचर में ही एडजस्ट कर सकते हैं।
मैंने आपको बोला कि 48,000 रुपीज आपने रेंट पे किया, ये अमाउंट आपको रिसिप्ट और पेमेंट के पेमेंट साइड में लिखा हुआ था। और इसमें क्या लिखा था, इसमें लास्ट ईयर के मार्च का, इसमें लास्ट ईयर के मार्च का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, राइट। बड़े कहने का मतलब है कि जो मैंने 48,000 रुपीज पे किया वो इस साल में किया, तो आप तो ये बोलोगे सर यानी कि इस साल में पे किया तो ये 12 मंथ्स का हो गया। और मैंने आपको बोला कि बेटा पिछली बार का, पिछली बार जब मार्च का रेंट है ना जो देना था वो नहीं दे पाए थे, लेकिन हमने इस ईयर में पे कर दिया, यानी कि 1 मंथ का वो हो गया, यानी कि ये रेंट कितने मंथ्स का हो गया, 13 मंथ्स का हो गया। फिर मैंने आपको बोला अभी करंट ईयर का जब मार्च खत्म हुआ तभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने मार्च का पे नहीं किया, माइनस 1 मंथ, यानी कि कुल मिला के वापस से ये हो गया 12 मंथ्स का। और जब मैं इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दूंगा तो पर मंथ का कितना आ गया बेटा, 4000, यानी कि हर महीने हम 4000 रुपए पे कर रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर का एंड हुआ था उस समय 4000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का 4000 रुपए आउटस्टैंडिंग था वो माइनस कर दूंगा मैं, और फिर क्वेश्चन में बोला गया कि जब करंट ईयर खत्म हुआ तो भी 4000 रुपए आउटस्टैंडिंग है प्लस 48,000 रुपीज। हमने जो 48,000 रुपीज पे किया था ड्यूरिंग द ईयर उसमें 1 मंथ का पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था और 1 मंथ का इस बार का आउटस्टैंडिंग था, तो पिछली बार का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उसको हमने माइनस किया और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था उसको हमने प्लस कर दिया। एक चीज और, एक एग्जांपल और लेते हैं, रिसीप्ट और पेमेंट में, पेमेंट साइड में लिखा था 11,000 आपने पे कर दिया रेंट, पूरे साल का रेंट, पूरे साल में जो रेंट पे करना था वो 11,000 कर दिया, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, ये एक्सपेंडिचर में लिखा था, और बेटा एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 1 मंथ का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर 11,000 रुपीज का रेंट पे किया, और एडजस्टमेंट में लिखा था कि ये रेंट जो आपने पे किया इसमें 1 मंथ का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट गिवन नहीं है, केवल ये बता दिया गया कि 1 मंथ का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा एक बात देखो, ये तो हो गया 11,000 रुपीज। अब मैंने बोला कि जो रेंट हम पे करते हैं वो 12 मंथ का पे करते हैं, लेकिन यहां पे हमारा 1 मंथ का यदि आउटस्टैंडिंग है तो ये रेंट पे हुआ केवल 11 मंथ का, तो यहां से पर मंथ का रेंट मुझे पता लग गया कि भैया 1000 रुपीज है, और अभी हमारा जो ईयर खत्म हुआ उसमें 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, खत्म। तो बेटा ये एडजस्टमेंट थी एक्सपेंसेस की, कोई भी एक्सपेंस हो इसी तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो ये थी हमारी एनपीओ की वीडियो नंबर 4, जिसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में बात करी। सबसे पहली वीडियो में हमने सीखा सब्सक्रिप्शन, देन सेकंड वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था फंड बेसिस अकाउंटिंग, फंड बेसिस अकाउंटिंग के बाद थर्ड पार्ट में हमने सीखा कंजप्शन, और आज हमने सीखी है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, राइट। अभी 2-3 पार्ट और बाकी हैं, उनमें भी हम स्लोली स्लोली आराम से बाकी की चीजों को भी समझेंगे, ताकि आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल 10 मार्क्स पक्के करके जाए, राइट। चलिए, बाय बाय।